खालिस्तान बारे श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों मीडिया के सामने रखे पक्ष तो बाद इस ते वाद विवाद भखदा नजर आ रहा है। पंथक समेत सियासी हलकों में गर्मा गर्मी वाला माहौल है। गर्म ख्याली जथेबंदियों ने जथेदार के मूहों खालिस्तान के जिक्र को सुभागा दसिया है। तो कुछ की दलील है कि बीजेपी के दबाव बनाने लिए अकाली दल की रणनीति तहत जथेदार साहब ने यह बयान दिता है। मैं कह दिता है कि जे भारत सरकार दिंदी है सानू तो असी लवांगे। जे सानू देगी तो असी लवांगे। दुनिया भर के सिख है जिहड़ा नहीं इच्छा रखता। देखो जिथों खालिस्तान की मांग है वह सारी गल की है। सिंह साहब ने भी कहा है जे कोई सानू दिंदा असी लै लांगे। इनकार कदों करते हैं? कानून लिया वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार तो इस ताजा माहौल सिखां लई वक्खरे राज खालिस्तान की उम्मीद हरगज भी नहीं की जा सकती। मौजूदा समय में सियासी धार्मिक समाजिक तौर पर अप्रसंगिक जाप रहे खालिस्तान सिद्धांत उत्ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे बेमौसमे बयान के जेकर केंद्र खालिस्तान देवेगा तो सिख जरूर लैणगे ने सिख सभा नूं शशोबंच पा दिता है। खासकर बहबल कलां अते बरगाड़ी मुद्दे उत्ते इंसाफ की मंग कर रही सिख सभा लई खालिस्तान के मुद्दे उत्ते आए इस बयान की हमायत जां इस नूं नकारना वड्डी चुनौती बन चुका है। उधर दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल की चंडीगढ़ विखे होण जा रही कोर कमेटी की बैठक तो बाद अकाली दल का इस मुद्दे उत्ते रुख कुछ स्पष्ट होण की आस बजी है। पर हाल की कड़ी अकाली दल की समुची लीडरशिप ने इस मुद्दे से गहरी चुप तार ली है। दूजे पासे कांग्रेस ने इस मुद्दे उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्ते सीधा निशाना साध लिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ का कहना है कि जथेदार साहब तो बादल परिवार की कठपुतली हैं पर हुण लोड़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकाली दल नाल अपने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण तो संबंधों उत्ते रुख स्पष्ट कर। जाखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में पीडीपी नाल नाता तोड़न वेले राष्ट्रवाद ही बहाना बनाया सी। हुण जदों पंजाब विच अकाली दल की बैकग्राउंड उत्ते जथेदार खालिस्तान की गल कर रहे हैं उदों भी प्रधानमंत्री अपने उत्ते राष्ट्रवादी दृष्टिकोण तो अकाली दल नाल नाता तोड़न बारे गल स्पष्ट करन। जाखड़ ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब साडी सब तो पवित्र थां है। अजिहे अस्थान की वरतों राजनीतिक मनोरथां लई करना बेहद मंदभागा है। उन्हां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ते निशाना साधदा कहा है कि सुखबीर की इस मुद्दे ते चुप वड्डे सवाल खड़े कर दी। मैंबर पार्लीमेंट अते श्रोमणी अकाली दल टकसाली के हमायतियां चों इक सुखदेव सिंह ढींसा ने कहा कि पाणियां दा मुद्दा पंजाबी बोलदे इलाके राजधानी का मुद्दा ते मौजूदा समय विच फसलां दे मंडीकरण नूं लै के राज दे अधिकारां उत्ते मारे जा रहे डाके जिहे मुद्दे मौजूदा समय पहल दे आधार ते ते नजिठे जाण वाले मुद्दे हन। लोड़ इस समय इन्हां जरूरी अते ताजा मुद्दिआं उत्ते ध्यान देण दी है। तखत श्री दमदमा साहिब दे मुतवाजी जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल दा कहणा है कि बीजेपी वल्लों बादलां नूं किनारे कीता जा रहा है, इस लई मोदी सरकार नूं डराउण लई बादल परिवार ने इक वार फिर जथेदार अकाल तख्त साहब के पवित्र अहुदे की दुरवरतों करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह गल किसी तो भुली नहीं कि इस अहुदे की दुरवरतों करते हुए बादल परिवार ने पहला सौदा साध नूं माफी दवाई और लोगों तो वोटा लैन की कोशिश की हूँ फिर बादल परिवार इस कोशिश में है। उन्होंने ज्ञानी हरप्रीत सिंह से सवाल दागद्या कहा कि जथेदार साहब हुण तक बहबल कलां बरगाड़ी क्यों नहीं गए? वह खालिस्तान की गल तो बाद विच करन, वह नकोदर गोलीकांड ते बेअदबी जिहे होर मुद्दों उत्ते हुण तक जबान क्यों नहीं खोल रहे? श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे सकत्तर जनरल सरदार सेवा सिंह सेखवा ने गलबात दौरान कहा कि जेकर जथेदार ने अपनी जमीर की गल की है तो गल होर है, पर जेकर किसी होर दे मन की गल की है गल होर है। इस सब तो वड्डा रहस्य इस वेले बनिया होया है। बंदी सिंघां दी रिहाई संघर्ष कमेटी के कन्वीनर ते बेअदबी दे गोलीकांड इंसाफ मोर्चे दे सरगर्म मैंबरां वल्लों भी इस नूं लै के सवाल खड़े किए गए हैं। उधर श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल वालों खालिस्तान के हक में दिए गए बयान बारे हल्के के श्रोमणी कमेटी मैंबर प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह ने गलबात करदिआं कहा कि जथेदार साहब ने कोई नवीं गल नहीं की, सगों गुरु साहबान वालों बेगमपुरे ते हलेमी राज दा संकल्प दृढ़ाया है अते सिंह साहब ने उसे दी ही हामी भरी है। उन्होंने कहा कि 1982 तो बाद सिखां दी हर मंग नूं समें दी सरकार ते मुतसबी लोकां ने सिखां नूं खामखा खालिस्तानी बनाउण दी
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੇਲੋੜਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।